जानते हो पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे लिटल ए लिटल द लिटल, और उसमें मैंने आपको बताया था फ्यू ए फ्यू और द फ्यू के प्रयोग के बारे में। प्यारे बच्चों, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लिटल ए लिटल द लिटल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फ्यू ए फ्यू द फ्यू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उसमें अपनी चर्चा हुई थी कि लिटल ए लिटल द लिटल किसको शो करता है, क्वांटिटी परिणाम मात्रा को शो करता है, जबकि फ्यू ए फ्यू द फ्यू किसको शो करता है, नंबर को, संख्या को शो करता है। प्यारे बच्चों, आज हम बचे हुए बाकी सभी जो आपके डिटरमिनेंट्स हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं नन का। किसका करते हैं? नन का। देखना जरा, याद रखना बच्चों कि नन का प्रयोग कहां किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में कोई नहीं, क्या कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखकर चलना कि नन का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है। ये बात आपके समझ में आई क्या कि नन का अर्थ होता है कोई नहीं? क्या होता है? कोई नहीं, याद रख करके चलना। दूसरी बात, इसका प्रयोग है वह एफर्मेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है कि नन का अर्थ होता है कोई नहीं, और इसका प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। प्यारे बच्चों, याद रख करके चलना, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने लिखा कि नन वॉज स्लीपिंग इन द रूम, कि कमरे में कोई नहीं सो रहा है। यहाँ पे किसका प्रयोग किया बच्चों? नन का प्रयोग किया, और इसके साथ में वर्ब क्या है? सिंगुलर है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। तो याद रख करके चलना, पहली बात तो यह है कि नन का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नन का प्रयोग किया जाता है, दो नंबर बात, और इसके साथ वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। एक और देखो, एक सेंटेंस और देखो, जैसे मैंने लिख दिया कि वी विजिटेड सेवरल प्लेसेज बट नन फैसिनेटेड अस, हम लोगों ने बहुत से स्थानों का भ्रमण किया लेकिन कोई ऐसा स्थान नहीं था जिसने हमें मंत्रमुग्ध किया हो। समझ रहे हो मेरी बात? कि यहां पर नन का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है? कोई नहीं, कोई नहीं, नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। ये बात आपके समझ में आई क्या कि नन का प्रयोग है एफर्मेटिव सेंटेंसेज में व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या आपके? नहीं ना। अब देखो स्टूडेंट्स, हम आगे चर्चा करते हैं किसकी। देखो आगे करते हैं चर्चा हम नो या नोट एनी की। किसकी चर्चा करते हैं? नो या नोट एनी की। प्यारे बच्चों, याद रख करके चलना, नो या नोट एनी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था एनी के प्रयोग के बारे में, उसमें मेरा एनी का लास्ट प्रयोग था कि हम लोग नो है, नो के बाद में एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया था, और यही चीज़ मैं वापस यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो जरा कि नो का प्रयोग है वह एक एडजेक्टिव के रूप में, किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन से पहले किया जाता है। किससे पहले किया जाता है? नाउन से पहले किया जाता है। कैसे? देखो बेटा, जैसे मैंने लिख दिया आई हैव नो वर्क दीज डेज, आई हैव नो वर्क दीज डेज, मैंने लिखा कि मेरे पास इन दिनों कोई काम नहीं है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? नो, और ये वर्क क्या है? नाउन। ये वर्क क्या है? नाउन।
यहाँ पे वर्क नाउन है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाउन से पहले नो का प्रयोग किसके रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है, और यहाँ पे वर्क नाउन है और ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बता दिया है नाउन और प्रोनाउन के बीच में अंतर क्या होता है, उसके बारे में अपनी चर्चा हो गई है। अब देखो मान लो कि यदि किसी सेंटेंस में एनी से पहले नॉट हो तो वो सही है, लेकिन यदि मान लो वहाँ पे नो हो, नो के बाद आप एनी लगा रहे हो तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। कैसे, जैसे मैंने इसी सेंटेंस को ये लिख दिया कि आई डोंट हैव। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने किसका प्रयोग कर दिया, नॉट का, किसका कर दिया, नॉट का कर दिया, तो इसके आगे आप लोग क्या लगा दोगे, एनी वर्क दीज डेज, एनी वर्क दीज डेज, समझ रहे हो। अगर मान लो यहाँ पे नो होता तो हम लोगों को एनी लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नोट है तो यहाँ हम लोगों ने किसका प्रयोग कर दिया, एनी का प्रयोग कर दिया, समझ रहे हो कि नो और नोट एनी का प्रयोग कहाँ क्या कुछ किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एनी का प्रयोग है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है, और मैंने आपको उसमें यह भी बताया कि एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दोनों में ही किया जाता है। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि नो के बाद में एनी हम लोग नहीं लगाते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात आपके समझ में आई क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब देखो आगे हम चर्चा करते हैं किसकी, देखो आगे चर्चा करते हैं बोथ एंड ऑल के प्रयोग की, किसकी करते हैं, बोथ एंड ऑल के प्रयोग की। देखो जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, बोथ का प्रयोग है, याद रख करके चलना, बोथ का प्रयोग है वह ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, यानी बोथ प्लस ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। कैसे, याद रखना, ऑफ के बाद में या तो आपको नाउन दी हुई मिलेगी या उसके बाद में आपको प्रोनाउन दिया हुआ मिलेगा, और उससे पहले आप लोग किसका प्रयोग कर दोगे, बोथ का प्रयोग कर दोगे, जिसका अर्थ क्या होता है, दो, याद रख करके चलना, किसी भी संख्या में दो का बोध कराने के लिए, किसका बोध कराने के लिए, दो का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बोध का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि बोध का प्रयोग हम लोग कर देते हैं तो बोध से संख्या में दो होने का बोध होता है, कितने होने का बोध होता है, दो होने का बोध होता है। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया कि बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम वर वाइस, कि बोथ ऑफ देम वर वाइस, कि उनमें से दो जने थे वो क्या थे, बुद्धिमान थे। कहने का मतलब क्या है, यहां बोध का प्रयोग कर दिया तो यहां पर संख्या में कितने होने का बोध हो रहा है, दो, जो मैंने आपको अभी बताया कि संख्या में दो होने का बोध कौन कराता है, बोध, जबकि ऑल है वह संख्या में सभी, संपूर्ण या पूरा होने का बोध कराता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि ऑल का अर्थ होता है सभी, संपूर्ण, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस वर टायर्ड, कि हम में से सभी थक गए थे, हम में से सभी थक गए थे, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, देखो जरा मैंने लिख दिया कि यूज ऑफ ए लॉट्स ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, इनके प्रयोग की हम चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इन सभी का प्रयोग है वह है आपकी काउंटेबल नाउंस और सिंगुलर अनकाउंटेबल
काउंटेबल नाउंस के साथ किया जाता है। प्यारे बच्चों, इन सभी का प्रयोग काउंटेबल नाउंस और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउंस के साथ में किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। किससे? और इनका प्रयोग है वो बहुत के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? बहुत के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया के आई हैव ए लॉट्स ऑफ फ्रेंड, आई हैव ए लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, समझ रहे हो। और याद रखना काउंटेबल नाउन कैसी होगी आपकी? प्लूरल। कैसी होगी? प्लूरल। कि आई हैव ए लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? ये नाउन है। और नाउन कैसी है? प्लूरल में है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो उससे पहले ए लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब क्या है? बहुत। क्या है? बहुत। जैसे मैंने लिख दिया कि ए प्लेंटी ऑफ पीपल आर कमिंग टू अटेंड द फंक्शन, कि फंक्शन को अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी अपनी बचे हुए बाकी के डिटरमिनर्स की, यानी जो आपके न्यूमेरल्स, क्वांटिफायर्स, एडजेक्टिव्स थे उनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। उनमें बचे हुए कुछ पॉइंट्स थे, कुछ भाग थे, उनका मैंने आपको यहाँ पे प्रयोग बता दिया। प्यारे बच्चों, आज अपना डिटरमिनर से जुड़ा हुआ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे पिछले वाले जितने भी डिटरमिनर्स के वीडियो जब वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यानी ये आपके चाहे कंपटीशन लेवल की एग्जाम हो या 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।